मोटोरोला की अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो Z3 प्लस जो ये इसी साल आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर लॉन्च होने वाला है। प्लस नहीं दोस्तों प्ले, इसकी स्क्रीन की ओर देखोगे तो 6.0 इंचेस की फुल्ली HD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मदद से स्क्रीन की प्रोडक्शन दी जाती है। क्वालकॉम की लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें दी जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर 6GB और 4GB रैम दी जाएगी, जिसमें 64GB 32GB इंटरनल स्टोरेज की वेरिएंट दी जाएगी। डेडिकेटेड स्लॉट की तरफ से एक्सपांड कर सकते हो अप टू 256GB तक, और यहाँ पर 100 ओरियो वर्जन पर मोबाइल चलने की पूरी संभावना है। और साथ साथ में 1080x2160 पिक्सल्स के साथ इसकी रेजोल्यूशन होगी 402 पर पिक्सल डेंसिटी के साथ में, और ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्मार्टफोन होगा। फ्रंट ग्लास मिल जाएगी, पूरी बॉडी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, एल्यूमिनियम से भरा हुआ ये बॉडी। यहाँ पर ड्यूअल सिम की स्लॉट ऑप्शन दी गई है, स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट के साथ में ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड आ जाएगा। एंड्रॉइड यहाँ पर मिल जाएगी काफी बढ़िया तरीके से। और कैमरा क्लैरिटी की बात करते हो तो यहाँ पर 12+8 मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है, और क्लैरिटी भी काफी बढ़िया होता है ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। जियो ट्रैकिंग, टच फोकस सब कुछ यहाँ पर रहता है। तो 5 मेगापिक्सल वाला फ्रंट सेल्फी कैमरा आप लोगों को देखने के मिल जाएगा, और ये 1080p रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। साथ साथ में IPOS कैंसिलेशन और डेडिकेटेड माइक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो USB टाइप सी भी इसमें दी जाएगी, 3.5mm ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर जो रियर अमोलेड है बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी कैंपस सेंसर सब कुछ, तो जो कुछ भी नॉर्मल में आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए तो यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सी कैंपस और HTML5 की इसमें ऑप्शन दी जाएगी, MMS, ईमेल, पुश मेल जो सब कुछ इसमें रहता ही है। और भी बढ़ेंगे इसकी कलर्स की ओर तो गोल्ड और ब्लू में ये नॉन ड्यूएल बैटरी के साथ मिल जाएगा। बढ़ेंगे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में हो गया, तो इसकी प्राइस की बात आती है तो यहाँ पर जो डिवाइस है 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास मिलने की पूरी संभावना है। तो मैं मिलता हूँ और एक वीडियो के तहत, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।